गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम गणित विषय पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कक्षा 4 विषय गणित, अध्याय 3 संख्याओं का जोड़। मेरा नाम दीपमाला शर्मा है और मेरे साथ बाला कुमारी हैं। देखो बच्चों, जोड़ नंबर 1, 8 + 1 कितना होता है? 9। 7 + 2 कितना होता है बच्चों? 9। 2 + 3 कितना होता है? 5। नंबर 2, 5 + 0 5 लिखेंगे हम। 0 में 1 जोड़ते हैं तो उत्तर 1 ही आता है। 1 + 2 बराबर कितने होते हैं? 3। उदाहरण 1, लोकेश बाजार से 200 रुपए की एक घड़ी खरीदता है और एक टॉर्च 150 रुपए की खरीदता है। बताओ कुल कितनी राशि खर्च हुई? हल, घड़ी कितने की ली थी उन्होंने? 200 रुपए की। टार्च कितने की? 150 रुपए की। कुल कितना हो गया? 0 + 0 0 हुआ। 0 + 5 बराबर 5। 2 + 1 बराबर 3। कुल हुआ खर्चा 350 रुपए का। उदाहरण 2, राधा दुकान से 350 रुपए के चावल और 200 रुपए की दाल खरीदती है, तो बताओ कितने रुपए खर्च हुए? हल, चावल कितने के लेती है राधा? 350 रुपए के। दाल 200 रुपए के। कुल कितना खर्चा हुआ? 0 + 0 बराबर 0। 5 + 0 बराबर 5। 3 + 2 बराबर 5। कुल खर्चा हुआ 550। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, हल कीजिए। नंबर 1, देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इधर इसको हल करते हैं। 0 + 0 कितना आएगा? 0। 2 + 4 कितना होता है बच्चों? 6। 1 + 2 कितना होता है? 3। उत्तर कितने आए? 360। नंबर 2, 0 + 0 कितना आएगा बच्चों? 0। आगे 0 + 0 0। 1 + 4 बराबर कितना होता है? 5। उत्तर आया 500। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की
पूर्ति करो। नंबर एक, 50 प्लस 70 कितने होते बच्चों? हल करो और उत्तर लिखो इसका, 120। समझ में आया बच्चों? नंबर दो, 15 प्लस 60 कितना होता है? 75। समझ में आया बच्चों? प्रश्न तीन, बड़ालिया गांव में 126 पुरुष 102 महिलाएं एवं 30 बच्चे हैं, बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? हल, पुरुष कितने हैं? 126, महिलाएं 102, बच्चे 30, कुल जनसंख्या बराबर 6 प्लस 2 प्लस 0 कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए। 2 प्लस 0 प्लस 3 कितने हुए बच्चों? 5। इसके बाद 1 प्लस 1 2 हो गए, कुल जनसंख्या बराबर 258। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न एक हल कीजिए। नंबर एक, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 1 कितना लिखेंगे? 6। 3 प्लस 1 4, टोटल 460। नंबर दो, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 1 2। प्रश्न दो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। नंबर एक, 50 प्लस 90 बराबर कितना होगा? 140। समझ में आया बच्चों? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। नंबर दो, 30 प्लस 35 कितना होगा बच्चों? 65। समझ में आया बच्चों? प्रश्न तीन, कुंभ के मेले में पहले दिन 105, दूसरे दिन 120 एवं तीसरे दिन 200 लोग मेला देखने आए, बताओ तीनों दिन मिलाकर कितने लोगों ने मेला देखा? हल, पहले दिन 105, दूसरे दिन 120, तीसरे दिन 200, कुल लोग बराबर 5 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा? 5। 0 प्लस 2 प्लस 0
कितना होगा? दो। एक प्लस एक प्लस दो कितना हुआ? चार। तीनों दिन लोग आए 425। समझ में आया बच्चों? अब तुम सबको घर पर अभ्यास करना है और याद करना है, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।